हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एसपी ऑफ 12th स्टैंडर्ड। फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ओके, कॉर्पोरेट मीन्स बिजनेस एंड फाइनेंस मीन्स एज यू नो मनी। बट इन बिजनेस फाइनेंस मीन्स नॉट ओनली मनी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ मनी। ओके, ये सिर्फ पैसा नहीं होता बिजनेस में, इसका मतलब होता है मनी। फाइनेंस मीन्स कि मनी और उसकी व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना, उसे मेंटेन करना। तो हम स्टार्ट करते हैं। द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट, जैसा हमने अभी पढ़ा। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। ये किससे रिलेटेड है, कितना बिजनेस में पैसे आ रहे हैं और कितना जा रहा है। इनफ्लो मीन्स कितना पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मीन्स कितना जा रहा है। दोनों चीज़ें होती है इसमें बिजनेस में, और ये दोनों चीज़ें एक बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है, तभी अगर ये दोनों चीज़ें बैलेंस में रहेगी तभी बिज़नेस, जो बिज़नेस का सक्सेस है वो उसकी बढ़ने, मतलब सक्सेस की श्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जैसे खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, इनकम कम हो रही है, तो फिर क्या होगा, बिज़नेस लॉस में जाएगा। ठीक है, तो प्रॉपर दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विद विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज़ ऑफ फंड्स। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस, किसी भी बिज़नेस ऑर्गनाइजेशन का सक्सेस किस पे डिपेंड होता है, कि जो पैसे आ रहे हैं, यूज़ ऑफ फंड्स, कि जो पैसे आ रहे हैं उसका यूज़ कहाँ हो रहा है प्रॉपर, उसका जो जो यूज़ होना चाहिए, जो पैसे आ रहे हैं उसकी क्या करनी चाहिए, उसकी प्रॉपर एक प्लानिंग करनी चाहिए, एक पॉलिसी अच्छे से बनानी चाहिए। मतलब ये सब कुछ अच्छे तरीके से एक वेल मेंटेन होना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से अप्लाई कर सके, जो भी पैसे आ रहे हैं उसका अच्छी जगह पर यूज़ कर सके, अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सके। तो वो क्या है, यूज़ ऑफ फंड। ओके, देखिए यहाँ पे हेनरी फोर्ड राइटली सेड ने एक डेफिनेशन दिया है, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया है, मनी इज़ एन आर्म और लेग, यूज़ इट और लूज इट। मनी क्या है, हाथ पांव जैसे है, कंपनी की क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो अगर आप अच्छे से उसे यूज़ करोगे तब उससे आप सक्सेस मिलेगा, अगर आप अच्छे से यूज़ नहीं करोगे तो आप उसे लूज़ कर दोगे। ठीक है, या तो आप उसे यूज़ अच्छे से कर सकते हो या फिर खो सकते हो। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ ए बिजनेस। ये स्टेटमेंट क्लियरली बता देता है कि जो बिज़नेस का सक्सेस है वो कितना इंपॉर्टेंट प्ले करता है फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस पे ही डिपेंड करता है किसी बिज़नेस का सक्सेस। देखिए, जहाँ पे आपका अगर अच्छी तरीके से आप फाइनेंस रहेगा तो आप अच्छे से मार्केटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन भी अच्छे से चलता रहेगा, हर चीज़, अब प्रमोशन भी अच्छे से होता रहेगा, सब कुछ अच्छे से फ्लो होता रहेगा। लेकिन जिस डिपार्टमेंट पे अगर पैसे की कमी रहेगी तो फिर वहाँ पे अच्छे से बिज़नेस रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग क्या है इसका। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स, पैसे रेजिंग मीन्स कि जहाँ से पैसे आ रहा है और अब जो कॉरपोरेशन है उसके द्वारा जो यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या है, कि जो कॉरपोरेशन है उसके द्वारा कितना पैसा आ रहा है और कितना खर्च किया जा रहा है। इट डील्स विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द कॉरपोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये किससे किससे रिलेटेड चीज़ें हैं, इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं फाइनेंस की, जैसे कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, ये इसी से रिलेटेड है। कैपिटल स्ट्रक्चरिंग मीन्स कौन कौन से सोर्सेज से पैसे आएंगे। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग है। और मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे करना है, कि ऐसी जगह पैसे लगाएं ताकि अच्छे से उसका रिटर्न आए। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेसेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स प्राइमरली विद द एक्विजिशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल बाय बिजनेस कॉरपोरेशन। हेनरी हॉगलैंड ने डेफिनेशन दिया है कि कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो प्राइमरली, वो पैसे कितना चाहिए, कितना उसे, कितने पैसे की उसे एक्विजिशन है, कितना उसे अर्निंग करनी है, और यूज़ ऑफ कैपिटल, उसे कितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना है बाय बिज़नेस कॉरपोरेशन। जैसे जो पैसे आ रहे हैं, जो उसे किस तरीके से बिज़नेस कॉरपोरेशन किस तरीके से यूज़ कर रहा है। ठीक है, द टर्म कॉर्पोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंसिंग प्लानिंग स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। जो कॉर्पोरेट फाइनेंस है इसमें और कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग, पैसे कैसे आएंगे उसकी प्लानिंग करना, उसकी पॉलिसीज बनाना, प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाना कि पैसे कैसे आएंगे, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट। ठीक है, कैपिटल मार्केट हम जानते हैं कि कैपिटल मार्केट, हम 11th में आप पढ़ चुके होंगे, तो कैपिटल मार्केट मीन्स क्या होता है, कि जहाँ से पैसे उठाते हैं,
जहाँ से बिजनेसमैन पैसे लाता है वो क्या होता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड शेयर मार्केट। पता होगा आपको शेयर मार्केट जो बाइंग सेलिंग होता है, जो इशू किया जाता है बिजनेसमैन के थ्रू या फिर बिजनेस के थ्रू, बिजनेस द्वारा। ओके, इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। ये इन जो फॉरेन कैपिटल और कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों भी इसमें इंक्लूड हैं। कैपिटल फॉर्मेशन मींस क्या होता है कि जैसे आप कैपिटल बनाने के लिए, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लैंड बिल्डिंग या फिर कोई असेट्स लेते हैं, तो कैपिटल फॉर्म करने के लिए ही ये सारी चीज़ें लेते हैं ना, तो वो होता है कैपिटल फॉर्मेशन। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉरपोरेट फाइनेंस। देखिए, जो बैंक है वो भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बैंक से ही लोन लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आती है यहाँ यहाँ से, ये सोर्सेज हैं पैसे लाने के। ठीक है, कैपिटल लाने के लिए, जैसे कि शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, मनी मार्केट है, ओके, बैंक है, बॉन्ड्स जो बैंक इशू करती है, सॉरी, जो सरकारी, जो गवर्नमेंट है वो कंपनियाँ, जो गवर्नमेंट कंपनी है वो शेयर करती हैं, इशू करती हैं बॉन्ड्स। और द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज़ टू इंश्योर दैट फर्स्ट द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस। जो फाइनेंस मैनेजर है उसे कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, जो फर्म है उसे मतलब कि एक इनफ फाइनेंस होनी चाहिए, एक पर्याप्त मात्रा में फाइनेंस होनी चाहिए। दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। उन्हें राइट सोर्स मतलब कि अच्छे सोर्स से उन्हें पैसे उठाना है, और ताकि उसका कॉस्ट मिनिमम हो, मतलब कि जैसे पैसे उठाया जहाँ से उसका इंटरेस्ट कम हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़े। ओके, नेक्स्ट है द टर्म यूटिलाइज रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली। जो फर्म है वो किस तरीके से जो पैसे उठा रही है उसे कैसे यूज़ कर रही है, उसका जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, अच्छी जगह पे उसे यूज़ करना है। ठीक है, ताकि प्रॉफिट हो सके ओनर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा वो रिटर्न्स जनरेट कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिल सके, जो वो खर्चे कर रहे हैं, जो जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। द फॉलोइंग टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। देखिए, जो मैनेजर होता है उसे दो डिसीजन लेने होते हैं कि फाइनेंस की कहाँ कहाँ से लेने चाहिए, कहाँ कहाँ से उसे उसे पैसे फंड है वो मिल सकता है। द बिजनेस फर्म हैज़ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टू फुलफिल इट्स फाइनेंशियल नीड्स। जो कैपिटल होता है वही कैपिटल मार्केट जो एक बिजनेस है, जो फर्म है, उसकी उसकी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट से ही उसे पैसे मिल सकते हैं। द फर्म हैज़ मल्टीपल चॉइसेस ऑफ सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। जो फर्म है उसके पास और भी कई सारे चॉइसेस होते हैं, ऐसे सोर्स होते हैं जहाँ से वो पैसे उठा सकता है। द फर्म कैन चूज़ वेदर इट वॉन्ट्स टू रेज इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। या तो वो चाहे तो इक्विटी कैपिटल, जो उसका शेयर है, जो उसने शेयर लगाया हुआ है, जहाँ पे उसकी ओनरशिप होती है, वो पैसे को वो ले सकता है, उठा सकता है, या फिर डेब्ट कैपिटल मीन्स उधार ले सकता है, लोन ले सकता है। फर्म कैन इवन ऑप्ट फॉर बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सारी चीज़ें भी वो उठा सकता है। ठीक है, द फाइनेंस मैनेजर इंश्योर्स दैट द फर्म्स इज़ वेल कैपिटलाइज्ड, दैट इज़ दे हैव राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड दैट द फर्म हैज़ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। जो फाइनेंस मैनेजर होता है उसे ये इंश्योर होना चाहिए उसे कि जो कैपिटल कैपिटल वो ले रहे हैं वो वेल होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, दोनों में जो इक्विटी शेयर है और जो डेब्ट शेयर है, सॉरी कैपिटल है, जो इक्विटी कैपिटल है और जो डेब्ट कैपिटल है वो प्रॉपर बैलेंस्ड में होना चाहिए, उसमें एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। उसने पैसे उठा लिए हैं, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पैसे उठा लिया बिजनेस ने, तो अब उसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। ठीक है, वंस द बिजनेस फर्म हैज़ गेंड एक्सेस टू कैपिटल, द फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग टू द यूज़ ऑफ द फंड्स इन सिस्टमेटिक मैनर। तो जब उसने पैसे उठा लिए हैं, कैपिटल उसे मिल गया है, काफ़ी उसे जितनी नीड थी उतनी मिल गई, तो अब फाइनेंस मैनेजर को ये डिसीजन लेना है कि ये जो फंड हमें मिला है ये सिस्टमेटिक मैनर में इसे यूज़ किया जा सके। जो यूज़ ऑफ फंड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक प्रॉपर वेल प्लान्ड होना चाहिए, अच्छे से उसे उसकी प्रॉपर
प्लानिंग होनी चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए, अच्छे से फ्रेमवर्क बना के ही उसे यूज़ करना चाहिए, ऐसे ही कहीं पे पैसे नहीं डालना है। क्योंकि वो जो आपने पैसे उठाए हैं, ऐसा नहीं है कि वो आपको ऐसे किसी ने दे दिया, उसको आपको वापस भी करना है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसी जगह पे उसे रखना है, पैसे ऐसे इन्वेस्ट करना है कि ताकि आपको उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मिले, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, प्रॉफिट हो आपको, ताकि आपको भी प्रॉफिट हो जितना आपने इन्वेस्ट किया, और सामने वाली जहाँ से आपने पैसे लिए हैं उसको भी आप पे कर सको, इतना आपको प्रॉफिट हो सके। सो फॉर दिस द फर्म हैज़ टू टेक इनटू कंसिड्रेशन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो वो इन सब फर्म को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स क्या, कि कैपिटल का कॉस्ट, जो उसने कैपिटल उठाया है उसका कॉस्ट कितना होगा, उस जैसे कि उसने उसको इंटरेस्ट कितना देना होगा, जहाँ से उसने कैपिटल उठाया उसका कॉस्ट कितना देगा। जैसे कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, बिजनेस ने कुछ प्रोडक्ट बनाया, तो उसमें उसके जितने इन्वेस्ट हो चुके हैं पैसे, अब उसको उसका रेट कितना लगाना चाहिए, उसको प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी लगानी चाहिए, ताकि उसका उसका जो इन्वेस्ट हुआ है वो भी उससे उसके पास आ जाए और कुछ उसको प्रॉफिट हो जाए। जैसे कि उस पर 2-4 रुपये उसे प्रॉफिट हो जाए, जैसे कि पेन ही बनाया उसने 10 रुपये का बनाया या 20 रुपये का बनाया, तो उसका वो 2-3 रुपये ज़्यादा ही लगाएगा प्रॉफिट, ताकि जो उसका इन्वेस्ट हुआ है वो भी आ जाए और 2-3 रुपये उसके पास एक्स्ट्रा उसका प्रॉफिट हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यही होता है, ठीक है। वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म कैन डिप्लॉय और यूज़ द फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर दैन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जब एक बार उन्हें पता चल जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होता है या फिर कैसे होता है उसका, वो प्लान कर लेते हैं, हिसाब किताब उनका हो जाता है, समझ जाते हैं वो, तो फिर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं फंड्स को अच्छी तरीके से, ताकि वो इस तरीके से उस वे में करेंगे ताकि उन्हें जो उनका रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा आए। ओके, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज़ नोन एज इन्वेस्टिंग डिसीजन। ओके, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया और जो डिप्लॉय किया, जो मतलब कि प्रॉपर उन्होंने इन्वेस्ट किया सक्सेसफुली, और उनका बिजनेस, अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, तो उसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टिंग डिसीजन, और इसे कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है, कि कैपिटल जो आपके पास है उसका बजट करना, उसे बजटिंग करना, उसको प्रॉपर मेंटेन करना, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना अच्छे से। ओके, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन आप प्रेस कर देना, ताकि आपको जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन चला जाए, और आपको जो भी डाउट्स हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।